कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में सर्दी की नई लहर का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 दिसंबर से कराची में सर्दी की एक नई लहर दाखिल होगी जो कि एक हफ्ता बरकरार रहेगी, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दिसंबर में मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर के दूसरे और चौथे हफ्ते में बारिशें होंगी जिनसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होगी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से स्मोक और धुंध की शिद्दत कम हो जाएगी। दिसंबर में मगरबी हवाओं के 3-4 सिलसिले दाखिल होने से मगरबी वस्ती और शुमाली हिस्सों में दरमियानी बारिश हो गई, ताहम दूसरा और चौथा हफ्ता ज्यादा नम आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का इम्कान है जिससे शुमाली इलाका जात में पारा मामूल से कम और जनूबी हिस्सों में पारा मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। चीफ मैट ऑफिसर सरदार सरफराज ने कहा है कि बलूचिस्तान में 8 से 10 दिसंबर के दरमियान ईरान से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा जिससे गवादर और कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बारिश का भी इम्कान है। 11 दिसंबर से सर्दी की एक नई लहर कराची में दाखिल होगी जो कि एक हफ्ते तक रहने का इम्कान है। सरदार सरफराज के मुताबिक सर्दी की नई लहर आने से कराची शहर का कम से कम पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।